Now, let's take another case wherein we will study the effect of potential on photocurrent. So, effect of potential on photocurrent. So in first case, we have seen that the photocurrent or the number of photoelectrons emitted per unit time is directly proportional to the intensity of incident radiation. Now we will see the effect of potential on photocurrent. Look, let's take photocurrent along the vertical direction. We will measure it in microamperes because it is very small. And let's take the potential along x-axis. Or horizontal axis. Suppose now we will fix the frequency and this photosensitive material. We will fix this metal plate and frequency of the incident radiation. Those two parameters we will not change. What are we now going to do? We will keep this source at some fixed position so that the intensity remains constant. So when this radiation falls on this metal plate, so there will be emission of photoelectrons. Let us suppose yahan pe electrons emit ho jate hain. So initially, let us suppose yahan pe assume, let's assume ki yahan pe hundreds photoelectrons emit ho gaye hain. So initially, main yahan pe koi potential nahi deta hu isko. Yahan pe potential jo hai, it is zero. So in 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से सपोज 5 या 10 या 15 ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि वो इस कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाए. सो इनकी वजह से यहां पे थोड़ा करंट आ जाएगा. सो दैट मींस व्हेन पोटेंशियल इज जीरो देयर विल बी स्लाइट देयर विल बी स्मॉल फोटो करंट. लेट सपोज इतना फोटो करंट था व्हेन पोटेंशियल इज जीरो. क्योंकि ये पोटेंशियल जीरो है यहां पे, तो सपोज फोटो करंट इतना था. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो हम पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हम यहां पे इंक्रीज करेंगे. जो ही हम पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे. इसीलिए हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल को नाम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आ जाएंगे. सो इसलिए जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा. फिर एक स्टेज आएगा जहां पे लेट सपोज कि हमने अभी बोला कि 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इमिट हो रहे हैं. एक स्टेज आएगा जहां पर ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे, जितने भी यहां पे इमिट हो जाते होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंचेंगे ड्यू टू दिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. तो करंट का वैल्यू उस वक्त आ जाएगा मैक्सिमम. सो लेट सपोज आईपी विल बी इक्वल टू फोटो करंट एन ई व्हेन दिस एन रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू. उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम और पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, अगर हम पोटेंशियल और इंक्रीज करेंगे यहां पे, तो अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज नहीं होंगे, वो तो उतने ही है एन, वो सेम रहेगा. इसलिए यहां पर जो करंट है, करंट अब इंक्रीज नहीं होगा. दैट मींस करंट विल नॉट सैचुरेट. सो दैट मींस इनिशियली जब हम ये पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगा ऐसे, एंड अल्टीमेटली इट विल सैचुरेट या ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाएगा. सपोज हमने इंटेंसिटी आई वन उस टाइम रखी हुई है, क्योंकि मैंने बोला पहले कि यहां पे हम फिक्स्ड पोजीशन पे इस सोर्स को रखेंगे ताकि इंटेंसिटी फिक्स रहे. अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे. नेगेटिव पोटेंशियल, ये यहां पे हम नेगेटिव पोटेंशियल जब सप्लाई करेंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स आते थे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस ओर अट्रैक्ट हो जाते थे, अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा. सो नाउ इट विल स्टार्ट रिपेलिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमने बोला है कि जीरो पोटेंशियल पे सपोज 10 या 15 इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचते थे, उनकी वजह से इतना फोटो करंट आ जाता था. अब हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव पोटेंशियल दिया हमने तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. दैट मींस इट विल बी नाउ रिटार्डिंग पोटेंशियल. इट विल नाउ एक्ट एज रिटार्डिंग पोटेंशियल. सो इस रिटार्डिंग पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नंबर रीचिंग द कलेक्टर इट विल नाउ डिक्रीज. इसलिए फोटो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब एन डिक्रीज हो गया तो फोटो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा. अल्टीमेटली एक पोटेंशियल आएगा जिस वक्त ये सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से आते थे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल ही करेगा, यहां किसी को पहुंचने ही नहीं देगा. तो फोटो करंट विल अल्टीमेटली बिकम जीरो. सो दैट मीन्स यहां पर ये डिक्रीज हो जाएगा कंटिन्यूअसली, और अल्टीमेटली ये फोटो करंट जो है ये जीरो बनेगा. लेट सपोज इस पोटेंशियल पे, इस पोटेंशियल पे ये करंट जो है वो जीरो बनता है.
अगर हम इससे और नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, अगर हम और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो ये करंट जो है ये जीरो ही रहेगा, क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंचता है। दिस पोटेंशियल एट विच दिस मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट स्टॉप्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये नेगेटिव पोटेंशियल के बदले आप रिटार्डिंग पोटेंशियल भी यूज कर सकते हो आप। सो हम यहां पे पहले डिफाइन करेंगे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एट इज मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो। The minimum negative potential at which photocurrent becomes zero is called retarding, sorry, is called stopping potential. अगर आप stopping potential से और negative आप potential रखेंगे तब भी ये zero ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए significant है stopping potential। देखो असल में stopping potential पे होता क्या है, आपने पता है in general अगर आप किसी भी charge particle Q को accelerate करेंगे through potential V, तो उसमें जो gain होता है energy में that is equal to Q V। अब यहां पे आप इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल सप्लाई करते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, वी नॉट। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, ई। तो इस इलेक्ट्रॉन में यहां पे कितनी एनर्जी आएगी, इट विल बी ई वी नॉट, दिस ई वी नॉट विल बी द एनर्जी सप्लाइड ड्यू टू दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ अब हमने पता है यहां पे मैंने पहले बोला कि जीरो पोटेंशियल पे सपोज 10 या 15 फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते थे, फिर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया, इसकी वजह से ये अपोजिशन आ रही थी इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इसलिए उनका नंबर कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा था। सो आप मुझे बताएं जो यहां पे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इट विल बी द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो यहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, जिस फोटो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी वही लास्ट तक यहां पे पहुंचेगा। That means, जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आप इसी इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली स्टॉप करते हैं, तो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी आर एक्चुअली सप्लाइंग एनर्जी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स एट स्टॉपिंग पोटेंशियल ये जो एनर्जी आएगी यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, तो लेट्स सपोज कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं वो यहाँ पे आ जाते थे, फिर मैंने रिटार्डिंग पोटेंशियल दिए, उस रिटार्डिंग पोटेंशियल की वजह से हम इनको अपोजिशन करते थे, तो अब अल्टीमेटली हमने पता है लास्ट तक यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे यहां तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हम यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करते हैं। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आप इनडायरेक्टली किस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करते हो, उस इलेक्ट्रॉन को जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, इसलिए जो एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वही मैंने देखा के मैक्सिमम इज इक्वल ई वी नॉट, व्हाई के मैक्सिमम इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो आगे जब भी मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूंगा, इट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जब भी मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, इट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये ई जो है ये कॉन्स्टेंट है। नाउ अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आपने देखा यहाँ पे इनिशियली ये करंट इंक्रीज हो जाता था, फिर यहाँ पे ये सैचुरेट हो जाता था। सैचुरेट कब हो जाता था ये, जब यहाँ पे जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते थे, जब ये सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते थे उस वक्त ये करंट मैक्सिमम हो जाता था, तो उसको हम नाम देते थे सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट की अगर हम बात करेंगे, सैचुरेशन करंट द मैक्सिमम फोटो करंट व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड
by the emitter reach the collector. So saturation current is the maximum current, this maximum photo current, when all the photo electrons ejected from the emitter will reach the collector. So इस तरह से हम saturation current की बात करते हैं. Now अब हम क्या करेंगे इसमें, या जो उन्होंने लिनार्ड और हालवाइस ने क्या किया था, उन्होंने अब इंटेंसिटी यहां पर वैरी की है. सपोज इन्होंने सोर्स को थोड़ा आगे लाया है, जब हम सोर्स को आगे लाएंगे तो डिस्टेंस कम होगी, जब डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. लेट सपोज नाउ द इंटेंसिटी इज I2, और I2 इंटेंसिटी ज्यादा है, I2 इंटेंसिटी क्योंकि मैंने इसको आगे लाया तो ये डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ बाय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपने पता है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. अभी इस केस में मैंने बोला था कि सपोज 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, अब जब ये इसको नजदीक लाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल बी मोर. लेट सपोज नाउ 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. नाउ जब मैंने इंटेंसिटी ज्यादा रखी तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट लॉ. तो इस तरह से लेट सपोज नाउ 200 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होते हैं. अब पहले मैं पोटेंशियल जीरो ही रखता हूं, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाते हैं कलेक्टर पे, दोज हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी विल रीच द कलेक्टर. इस तरह से यहाँ पे फोटो करंट आ जाएगा. सो दैट मींस व्हेन पोटेंशियल इज जीरो देयर विल बी सम फोटो करंट, इट मे बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू और इट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू और इट मे बी स्मॉलर एज वेल. नाउ अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप यहाँ पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देते हैं. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या करेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे थे वो सारे कहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे, तो करंट फिर से क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा. बट ये सैचुरेट हो जाएगा एट हायर वैल्यू, क्योंकि इससे पहले जो था, पहले केस में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमने रखे थे 100, तो इसलिए वहां पे फोटो करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगा 100 into E. अब मैंने जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो इंक्रीज हो गए. नाउ सपोज अब 200 आ जाते हैं तो फोटो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 200 into E, इसलिए नाउ इट विल सैचुरेट एट हायर वैल्यू. ये हो गया इससे ज्यादा वैल्यू पे सैचुरेट, यानी पहले केस में ये इतना आया था सैचुरेशन करंट, अब दूसरे केस में ये इतना आ रहा है सैचुरेशन करंट. अब दूसरा वही है, हम यहाँ पे अब रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे. रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन नेगेटिव पोटेंशियल, जब आप रिटार्डिंग पोटेंशियल देंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ये वहां पे इनको स्टॉप करेगा, और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे तो फिर से फोटो करंट जो है वो जीरो बनेगा. अब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन ली है लिनार्ड और हालवाइस ने, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम यहाँ पे इंटेंसिटी दूसरा वैल्यू रखते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल देता हूँ रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो ये फिर से फोटो करंट जीरो आ जाता है एट द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल. इस वक्त भी उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट क्या आ जाता है, जीरो. तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्लियरली यहाँ इस ग्राफ से, इस प्लॉट से हम यहाँ पे फाइनली कंक्लूड ये कर सकते हैं कि देखो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी आई वन के लिए ये वैल्यू आता है, इंटेंसिटी आई टू के लिए ये वैल्यू आता है. सो दैट मीन्स जो सैचुरेशन करंट है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज. Saturation current is different for different intensities. इसका मतलब जो saturation current है that depends on intensity. Saturation current depends on intensity. Now दूसरा है यहाँ पे stopping potential. चाहे intensity I1 थी या I2 थी, यानी different intensities के लिए stopping potential एक ही value आता है. ये उसी वक्त possible है कि अगर stopping potential इस intensity पे depend नहीं करेगा. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो आप कोई भी इंटेंसिटी क्यों ना रखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा वी नॉट ई. तो इस ग्राफ से, इस प्लॉट से हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो ये है कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, द सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, वाइल द स्टॉपिंग पोटेंशियल or equivalently the maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity. So this is the second law of photoelectric effect. So second law jo aayega photoelectric effect ka, hum ye aise likh sakte hain, second law, ya jo is plot se hume conclusion mila hai wo yahi hai ki jo for given
फोटोसेंसिटिव मटेरियल यानी पलेट मटेरियल एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द सैचुरेशन करंट depends on intensity while the stopping potential or equivalently maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity. So from this study, that means effect of potential on photocurrent, हमने यहां पे तीन चीजें सीखी है. पहला है कि stopping potential. Stopping potential एक नेगेटिव पोटेंशियल है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल, जहां पे फोटो करंट क्या बनता है, जीरो, तो उसको हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो एनर्जी आएगी वो कॉरस्पॉन्ड करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स ई वी नॉट जो आएगा वो आएगा के मैक्सिमम. और दूसरा हमने देखा है कि यहाँ पे करंट जो है वो सैचुरेट हो जाता है, दैट मीन्स करंट कब सैचुरेट होगा, व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम इमिटर रीच द कलेक्टर. सो देयरफॉर वी कैन से दैट फोटो सैचुरेशन करंट इज द मैक्सिमम फोटो करंट व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द इमिटर रीच द कलेक्टर. सो फिर हमने यहाँ पे इस प्लॉट से जो हमने यहाँ पे फाइनली कंक्लूड किया है, हमने देखा कि दो इंटेंसिटीज मैंने डिफरेंट रखी है, लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन करंट भी डिफरेंट आता है, लेकिन दोनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सेम आ रहा है. तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी व्हाइल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. और यही बनता है सेकेंड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सेकेंड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यही बनता है. नाउ अब हमने तीसरी स्टडी करनी है. सो हम अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट. अब तक हमने देखा इंटेंसिटी का इफेक्ट और पोटेंशियल का इफेक्ट हमने देखा है. अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट. और एक बात यहां पे याद रखिएगा, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आता है, तो फोटो करंट जो है वो क्या आ जाता है, जीरो. असल में उस वक्त क्या होता है, एट, इसको आप नोट करके रखें, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल the photoelectrons जो photoelectrons यहां पे इजेक्ट होते थे वो क्या हो रहे हैं, आर reabsorbed. द एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द photoelectrons आर reabsorbed. वो ये emitter plate वापस इनको reabsorb करता है कहां पे, stopping potential पे. so this is all about this effect of potential on photocurrent. now we have effect of frequency on photocurrent. Effect of frequency on photocurrent. This is third one. और इसी में हम लेंगे, हम इसमें collective लेंगे, एक तो frequency का effect देखेंगे हम, दूसरा हम जो nature of metals है यहाँ पे, ये जो metals मैंने रखे हैं, electrodes जो मैंने रखे हैं, इनका भी effect हम देखेंगे, वो भी इसी case में आ जाएगा, दोनों हम simultaneously करेंगे. देखो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हम कैसे लेते हैं, अब फिर से हम यहां से लेते हैं फोटो करंट वर्टिकल एक्सिस में, दिस इज फोटो करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, और यहां से हम लेते हैं पोटेंशियल वी, दिस इज पोटेंशियल जो हम सप्लाई करते हैं यहां से. देखो हम क्या करते हैं, फिर से
हम पहले यहाँ पे इस सोर्स को किसी एक जगह पे फिक्स करेंगे। जब आपने फिक्स किया इसको एक जगह पे, दैट मीन्स आपने डिस्टेंस फिक्स किया। डिस्टेंस फिक्स करने का मतलब आपने इंटेंसिटी फिक्स की है। सो इस केस में हम पहले इंटेंसिटी फिक्स करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिल्टर में यूज करता हूं। वो फिल्टर क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ से अलो करेगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक फिल्टर रखा है जो खाली किसको, रेड या ग्रीन या वायलेट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, लेट सपोज 20 हर्ट्ज आर 2 मेगाहर्ट्ज, उसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ से अलो करेगा। सो दैट मीन्स इस तरह से हम फिल्टर यूज करेंगे जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अलो करेगा। नाउ लेट्स टेक द केस वेयर इन इट ओनली allows new one frequency, ये new one frequency allow करता है। जो ही ये radiation इस metal plate पे incident होती है तो यहाँ पे photo emission होता है, electrons निकलते हैं। अब ये electrons जो है, let's suppose 100 electrons निकले यहाँ से, तो इनमें से 5-10 जो है वो उनमें sufficient energy होती है to reach the collector, तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा current आ जाएगा। So that means zero potential पे थोड़ा photo current होगा, let's suppose इतना photo current था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हम देंगे यहां से। जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देंगे तो ये ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा और एक स्टेज आएगा जहां पर जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इमिट हो रहे थे वो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो फोटो करंट जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर हम उससे ज्यादा और पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो इसमें कोई और इंक्रीमेंट नहीं आएगा फोटो करंट में, क्योंकि फोटो करंट हमने पता है आई इज इक्वल एन ई। अब एन जब आ गया सैचुरेट, आई एन ई, जब एन अब चेंज नहीं होगा तो इस तरह से फोटो करंट चेंज नहीं होगा। तो ये फिर से वही स्टडी होगी जो हमने अभी पढ़ा है, ये ऐसे आएगा ऐसे। लेट्स सपोज ये फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू वन रखी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल सप्लाई करेंगे। रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल। जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे इट विल नाउ रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रोकेगा और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे तो फोटो करंट जीरो बनेगा। लेट सपोज यहाँ पे फोटो करंट जीरो बना, वी जीरो हो गया एक। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा फिल्टर यूज करेंगे। नाउ मैं दूसरा फिल्टर यूज करता हूँ, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अब यहाँ से अलो करेगा। लेट सपोज अब वो न्यू टू फ्रीक्वेंसी अलो करता है। अब दूसरा फिल्टर मैंने यहाँ पर रखा है जो दूसरी फ्रीक्वेंसी अलो करेगा। लेट सपोज इसने न्यू टू फ्रीक्वेंसी अलो की है। जब यहाँ पे इंटेंसिटी मैंने फिक्स रखी है तो यहाँ पर फिर से वही 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, उनमें से कुछ यहाँ पे पहुंचेंगे। विथ टाइम जब हम यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे ज्यादा ज्यादा इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक स्टेज आएगा जब ये 100 के 100 यहाँ पहुंचेंगे तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, फोटो करंट सैचुरेट हो जाएगा। अब ये सैचुरेट होगा सेम वैल्यू पे, क्योंकि इस केस में भी यहाँ पे क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी फिक्स है, इंटेंसिटी जब फिक्स होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड दोनों केसेस में सेम ही इमिट हो जाएंगे। और जब वो सेम होंगे, एन सेम होगा, ई सेम होगा, तो फोटो करंट का जो सैचुरेटेड वैल्यू है वो सेम रहेगा। सो लेट सपोज ये इनिशियली ऐसे आता है, या यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो ये ऐसे आएगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी है न्यू। अब हम क्या करते हैं, अब नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं यहाँ से। जब नेगेटिव पोटेंशियल हम इसको देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जब ये सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगा और फोटो करंट बनेगा जीरो। ये ऐसे आएगा, फोटो करंट जीरो बनता है। लेकिन फोटो करंट यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है, जब आप नेगेटिव पोटेंशियल देते हो, रिटार्डिंग पोटेंशियल देते हो, अब फोटो करंट जीरो बनता है, लेकिन ये जीरो उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं बनता है। अब इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आता है, ये ऑब्जर्वेशन में आया है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जब आप एक फ्रीक्वेंसी रखते हो तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, जब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। मैं अभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, हम इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम खाली क्या देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हो गया हुआ था। सो अब यहां पर क्या होगा, मैंने फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आ गया। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अब किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे क्लियर ये हो गया, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए आप देखते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी सैचुरेशन करंट जो है वो सेम आता है।
दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए, न्यू वन हो या न्यू टू हो, दोनों के लिए जो सैचुरेशन करंट आ गया, मैक्सिमम करंट जो आ गया वो यही है। दैट मीन सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर न्यू वन एंड न्यू टू। इसका मतलब यही है कि सैचुरेशन करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए वो एक ही वैल्यू रहता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट करता तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट होता है। सो ये कंक्लूजन हमने यहां से फिलहाल लिया है। एक तो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, व्हाइल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सैचुरेशन करंट जो है, सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अब हम यहां पे देखेंगे कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है। उसके लिए मैं और एक प्लॉट यहां पे ड्रा करता हूं। सपोज यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, यहां से फ्रीक्वेंसी न्यू, ये मैंने यहां से अब स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने फ्रीक्वेंसी रखा है। इनिशियली हमने पढ़ा है कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन ऑकर्स। लेट अस सपोज मैंने यहां पर मेटल ए रखा है, मेटल ए मैंने यहां पर रखा है, उस मेटल ए के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी जिससे कम अगर आप फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे तो फोटो एमिशन नहीं होगा। लेट सपोज वो वैल्यू है ये न्यू जीरो ए इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल ए। अगर आप इससे कम फ्रीक्वेंसी रखते हो कोई फोटो करंट नहीं आता है, जो फोटो करंट नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वहां तक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जीरो आएगा, क्योंकि जब यहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन ही इमिट नहीं होंगे तो हमें कोई पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको रोकने के लिए, वो खुद ही रुकेंगे, यानी वो यहां पहुंचेंगे ही नहीं, इसलिए हमने कोई पोटेंशियल ही नहीं देना पड़ेगा, इसलिए तब तक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जीरो ही रहेगा। अब इससे आगे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब हम लेट सपोज न्यू वन फ्रीक्वेंसी रखा था उस वक्त वी जीरो वन आया था, लेट सपोज ये न्यू वन फ्रीक्वेंसी है, न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे वी जीरो वन पोटेंशियल है, ये वी जीरो वन स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फिर न्यू टू फ्रीक्वेंसी है, न्यू टू फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने वी जीरो टू रखा है, लेट सपोज ये है न्यू टू फ्रीक्वेंसी, वहां पे क्या आया था वी जीरो टू पोटेंशियल, वी जीरो टू पोटेंशियल है। जब ये प्लॉट वो ज्वाइन करते हैं ऐसे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे, लेट सपोज इट इज मेटल ए। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहां पे हम अब ये इमिटर प्लेट जो है ये हम चेंज करेंगे या बी रखेंगे। सपोज जब मैं मेटल चेंज करता हूं तो उसके लिए भी एक सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी जहां तक फोटो एमिशन नहीं होगा। अब क्योंकि मेटल डिफरेंट है इसलिए यहां पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो भी डिफरेंट आता है। लेट अस सपोज ये वैल्यू है यहां पे न्यू जीरो बी, यानी इस फ्रीक्वेंसी तक कोई फोटो करंट ही नहीं है, फोटो इमिशन ही नहीं होता है, इसलिए वहां तक स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ही रहेगा, कोई पोटेंशियल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा उसको रोकने के लिए। अब उससे आगे ये फिर से क्या होता है, ये ऐसे लीनियरली इंक्रीज हो जाता है ऐसे बी, ये मेटल ए के लिए आ गया, ये मेटल बी के लिए आ गया, ये पैरेलल है ये और ये पैरेलल है, कैसे पैरेलल है वो अब आगे देखेंगे फिर जब हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। सो अब इस प्लॉट और इस प्लॉट से हम कलेक्टिवली अब एक कंक्लूजन लेंगे। लाइक हम ये कंक्लूजन कहेंगे कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन ऑकर्स, उसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप क्या देखते हो, एबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स depends linearly on frequency. There is a certain minimum frequency below which no photo emission occurs known as threshold frequency. Above threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of photoelectrons depends linearly on frequency, while the saturation current is independent of frequency. So, ये इसका third law बनता है। जो थर्ड लॉ आ जाता है यहां पे किसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो यही है, फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर इज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी
below which no photo emission occurs. इसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी while the saturation current is independent of frequency. So इस तरह से laws of photoelectric effect भी यहीं पे आ गए और experimental study भी यहीं पे आती है. सो फ्रॉम दिस प्लॉट हमने यहां तक देखा है कोई फोटो एमिशन नहीं होता है. जब फोटो एमिशन नहीं होगा इस फ्रीक्वेंसी तक तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी आपको किसी भी पोटेंशियल की यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस करंट फोटो करंट को रोकने के लिए. यानी यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है इसलिए हमने यहां पे कोई पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको रोकने के लिए. इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां तक जहां तक फोटो एमिशन नहीं होता है वहां तक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जीरो है. अब अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब ये अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी. और यहां पे आपने देखा जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या आ गया, सेम आ गया. सो अगर हम इनको अब ओवरऑल कंक्लूड करेंगे, ओवरऑल यहां पे अगर हम समराइज करेंगे तो हम यहां पे क्लियरली बता सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करता है किस पे है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. और जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे और वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर. सो यहां पे हम दो चीजें बताएंगे, जो सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे वाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. तो ये ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमें कंक्लूजन मिले वो यही है और यही से हमें लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आते हैं. तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास है ऐसे. अब पहला लॉ जो है वो हमें पता है, दैट इज For a given photosensitive material at fixed frequency, the photo current or the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation. Second law, हम ये कहेंगे, for given photosensitive material at fixed frequency, the saturation current depends on intensity, while the stopping potential or equivalently maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity. और third law हम बताएंगे यहाँ पे. For a given photosensitive material, there is a certain minimum frequency which below which no photo emission occurs. उस frequency को हम नाम देते हैं threshold frequency and above threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of photoelectrons depends linearly on frequency, while saturation current is independent of frequency. और एक law है इसमें photoelectric effect में, जो fourth law आएगा photoelectric effect में, fourth law. वो टोटली एक्सपेरिमेंटल लॉ है. वो लॉ जो है वो सिंपली हमें ये कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग between the incidence of radiation and emission.
emission of photoelectron. Although there is slight time lag, यहाँ पे थोड़ा time lag होता है, otherwise it will violate uncertainty principle. That is equal of the order of 10^-9 or -10 seconds. 10^-9 seconds or 10^-10 seconds का time lag होता है यहाँ पे. Otherwise it will violate uncertainty principle. So इस तरह से ये चार laws आ गए photoelectric effect पे. Photoelectric effect पे first law for a given photosensitive material at fixed frequency the फोटो करंट और द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सेकंड लॉ फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी व्हाइल द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. थर्ड लॉ फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन ऑकर्स. That is threshold frequency, and above threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of photoelectron is depends linearly on frequency, while the saturation current is independent of frequency. और जो fourth law है वो ये है कि photoelectric effect is an instantaneous process. That is, there is no time lag between the incidence of radiation and emission of photoelectron. इसका मतलब ये है कि as the radiation strikes the metal surface. जो ही रेडिएशन मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा उसी वक्त वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं. वहां पे वो टाइम नहीं लेता है टू स्टोर द एनर्जी ताकि वो फिर बाहर आ जाए. एज सून एज द रेडिएशन स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इजेक्टेड आउट. उसी वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं. सो इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज भी हो गए और इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी हो गई है. सो यहां पे आपने दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो फोटो करंट है या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर यूनिट टाइम दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. उसके बाद हमने दूसरा देखा कि जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है. तीसरा जो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है. और यहाँ पे आपने देखा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स. सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स. ये हमने यहां तक किया है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका वेव थ्योरी का फेलियर, हाउ वेव थ्योरी इज फेलिंग टू एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स. वेव थ्योरी कैसे फेल हो रही है इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में. फिर हम वहीं पे इंट्रोड्यूस करेंगे फिर प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस. सो वो उससे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देता हूं. अगर आपने वो क्वेश्चन किया है इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी अब तक हमने की है वो पूरी तरह से आपको समझ आ गई है. सो लेट मी गिव यू एक्सरसाइज लाइक दिस. यहां से फोटो करंट IP इन माइक्रो एम्पियर्स और यहां से है पोटेंशियल V. ये तीन रेडिएशंस मैंने यूज की है. मैंने एक रेडिएशन ये यूज किया, इसकी इंटेंसिटी है I1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है nu1. ये दूसरा इसकी इंटेंसिटी है I2 और फ्रीक्वेंसी है nu2. और ये तीसरा है इसके लिए इंटेंसिटी है I3 और फ्रीक्वेंसी है nu3. ये मैंने तीन यहाँ पे यूज किए हैं. अब आपने यहाँ पे इन इंटेंसिटीज और फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर बताना है क्या होगा. लक ये हम इजिली बता सकते हैं. अभी हमने पढ़ा है जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट खाली किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है. अगर हम यहां पर देखेंगे इन दो के लिए यानी I2 और I3 दोनों के लिए अगर आप सैचुरेशन करंट देखेंगे, सैचुरेशन करंट दोनों के लिए सेम वैल्यू आता है. हमें पता है सैचुरेशन करंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे. हमें पता है सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे. अब ये I2 और I3 के लिए यहां पे सैचुरेशन करंट सेम है, इसका मतलब ये इंटेंसिटी सेम होंगी. सो दैट मींस I2 इज इक्वल I3. अब देखो I1 इंटेंसिटी इसके लिए जो सैचुरेशन करंट है वो ये है और I2 और I3 के लिए सैचुरेशन करंट ये है. जिसका ज्यादा, अब यहां पे सैचुरेशन करंट डिफरेंट है इसका मतलब इंटेंसिटीज डिफरेंट होंगी. अब जिसका ज्यादा इंटेंसिटी उसका ज्यादा सैचुरेशन करंट. यहां पे सैचुरेशन करंट किसका ज्यादा है, I2 और I3 का, और I1 का सैचुरेशन करंट कम है इसलिए I1 इंटेंसिटी कम होगी. सो दीज टू इंटेंसिटीज विल बी ग्रेटर देन I1.
फिर से मैं रिपीट करूंगा, I1 के लिए कम सैचुरेशन करंट है इसलिए ये इंटेंसिटी कम होगी, I2 और I3 के लिए सेम सैचुरेशन करंट है इसलिए ये दो इंटेंसिटी सेम होंगी। अब इनके लिए जो कलेक्टिव जो सैचुरेशन करंट है वो I1 के सैचुरेशन करंट से ज्यादा है, इसके इन दोनों की इंटेंसिटी जो I2 और I3 इंटेंसिटी ये ज्यादा होंगी किससे, I1 इंटेंसिटी से। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसीज का हम देखेंगे, हमने पता है फ्रीक्वेंसी पे कौन सा पैरामीटर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को देख के हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, सेम है इसलिए ये दो फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगी, न्यू वन इज इक्वल न्यू टू। अब यहां पे आपने देखा अभी जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, क्योंकि अभी आपने इस ग्राफ में देखा अबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी, सो इसका मतलब जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। देखो यहां पे मैग्नीट्यूड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ज्यादा है, इससे ज्यादा है, यहां पे मैग्नीट्यूड स्टॉपिंग पोटेंशियल का कम है, यहां पर ज्यादा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी देन दीज फ्रीक्वेंसीज, इसलिए जो ये फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, न्यू थ्री, सो न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी जो है इट विल बी ग्रेटर देन न्यू वन एंड न्यू टू, न्यू वन एंड न्यू टू विल बी इक्वल क्योंकि उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल है। तो ये अगर आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसका मतलब आपको ये लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो समझ आ गए हैं। अब मैं और एक इस पे एग्जांपल दूंगा, आप समझ लीजिए आपको ये ऑर्डर इनका आता है कि नहीं आता है, वी आई पी, सपोज अब मैं ये ऐसे लेता हूं, चलिए ये है आई वन न्यू वन, ये है आई टू न्यू टू, ये है आई थ्री न्यू थ्री, क्लियरली आप बता सकते हो। पहले इंटेंसिटीज के लिए, इंटेंसिटीज के लिए हम बता सकते हैं कहां से, सैचुरेशन करंट से, इन दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है इसलिए ये दो इंटेंसिटी सेम होंगी, I1 will be equal to I2। अब देखो I3 के लिए सैचुरेशन करंट ज्यादा है इसलिए I3 इंटेंसिटी ज्यादा होगी, I3 इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर देन I1 एंड I2 और वो दो इक्वल होगी। अब इसी तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, अब इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है इसलिए ये दो फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, यानी न्यू टू विल बी इक्वल टू न्यू थ्री। अब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है इसलिए न्यू वन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, अब जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यहां पे मैग्नीट्यूड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ज्यादा है इसलिए ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी न्यू टू और न्यू थ्री से। इस तरह से अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं इसका मतलब ये पूरा जो है इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी या लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपको समझ आ गए हैं। सो दिस ऑल, नेक्स्ट लेक्चर में हम फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट